स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम वीडियो अपडेट लेकर आए हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल फॉर्म के बारे में। तो झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती जो है हो रही है और इसके लिए आवेदन कब से चालू है। 583 सीटों पर कुल आवेदन हो रहा है, 583 सीट, और झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के द्वारा ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 583 कुल सीटों की संख्या है। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर पाइएगा, मात्र ₹100 का चार्ज लगेगा। OBC और जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए ₹50 का लगेगा। पेमेंट का मोड ऑनलाइन होगा और ये फॉर्म जो है 1 तारीख से फिलअप हो रहा है, जो कि 30/6/2023 तक चलेगा। लास्ट डेट फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 6/7 से लेकर 8/7 तक है। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज है। मैक्सिमम जो है अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 25 साल, OBC BC के लिए 27 साल, ओमेन के लिए 28, SC ST के लिए 30। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आप लोग जान सकते हैं। साथ ही साथ बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मैट्रिक या 10th क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी स्टेट से या किसी भी बोर्ड से 10th पास कैंडिडेट को होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसके लिए किस प्रकार का फिजिकल का प्रोसेस होगा, फिजिकल हाइट कितना चाहिए, दौड़ कितना है, कितना क्या है, पूरी सिलेबस की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगा। तो चैनल पर नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो जो इंटरेस्टेड हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में भी लगभग 21,000 सिपाही भर्ती हो रही है, कांस्टेबल की भर्ती, उसके लिए भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल वीडियो आपको सिलेबस का, साथ ही साथ क्या क्या फिजिकल एग्ज़ाम होगा, किस तरह से कितना दौड़ है, कितना लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।